वाड़ी में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन वाड़ी नगर परिषद अंतर्गत गुरु प्रसाद नगर के क्रीड़ा मैदान पर दिनांक 1 फरवरी से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल खेल स्पर्धा का उत्साह में प्रारंभ हुआ। श्री बालाजी वॉलीबॉल संघ द्वारा आयोजित इस स्पर्धा का उद्घाटन दोपहर 4 बजे विधायक गिरीश व्यास के हाथों व विशेष अतिथि राका नेता व पूर्व मंत्री रमेश चंद्र बंग, नगराध्यक्ष प्रेम झाड़े, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेश पाठक की उपस्थिति में क्रीड़ा मशाल प्रज्वलन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता किताब सिंह चौधरी ने की। जिंदल पब्लिक स्कूल के छात्राओं ने स्वागत गीत देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया। मंच पर उपस्थित इन अतिथियों के साथ पुलिस अधिकारी श्रीराम मालवे, केशव बांद्रे, अभय कुनावार, शत्रुघ्न सिंह परिहार, कैलाश मंतापुरवार, राकेश मिश्रा, व्यवसायिक सतीश जिंदल, सुशील शर्मा, मानसिंह ठाकुर, नवीन शर्मा, कैलाश शर्मा, महेंद्र शर्मा, अशोक शर्मा, दिनेश शर्मा, स्वामी प्रसाद सुद, वीरेंद्र चौहान, मनोज कौशिक, कुकू मारवा, विनोद वाटू, नवीन शर्मा, चंदन सुतार, वीरेंद्र मोर ने सभी का स्वागत किया। उद्घाटक विधायक गिरीश व्यास ने खेल का महत्व प्रदर्शित करते हुए वाड़ी के इस गुरु प्रसाद नगर क्रीड़ा मैदान विकास के लिए निधि हेतु तुरंत प्रस्ताव देने का आग्रह किया। रमेश चंद्र बंग ने भी समयोचित विचार व्यक्त किया। संचालन राजेंद्र तिवारी ने व्यक्त किया। महाराष्ट्र व गुजरात, मध्य प्रदेश से कुल 25 से अधिक वॉलीबॉल टीमें शामिल हुई है। उद्घाटन का प्रदर्शनीय खेल वर्धमान नगर व वाड़ी बालाजी टीम के बीच का प्रारंभ उपस्थित अतिथियों ने फीता काट कर व खिलाड़ियों से परिचय कर किया। 2 फरवरी को शाम 6 बजे स्पर्धा समाप्ति पश्चात पुरस्कार वितरण सांसद कृपाल तुमाने, विधायक समीर मेके, नगर सेवक राजेश जायसवाल, मुख्याधिकारी जुम्मा प्यारेलाल आदि की उपस्थिति में सम्पन्न होगा। क्रीड़ा प्रेमियों से इस स्पर्धा का आनंद लेने का आह्वान संयोजक बालाजी वॉलीबॉल संघ ने किया है। स्पर्धा देखने बड़ी संख्या में दर्शकगण उपस्थित थे। एनबीसी न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट। कि आपने मुझे ऐसे कार्यक्रम में आमंत्रित किया और यहाँ पे पधारने का मौका दिया। बाकी हर जगह हम अलग अलग तरह के बंदोबस्ती करते हैं, लेकिन ऐसे माहौल में आने से हमको भी जिंदगी का अलग रूप देखने को और अनुभव करने को मिलता है। आज का इस उद्घाटन समारंभ में आने के बाद मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आपने ये सही मायने में प्रोग्राम आयोजित किया है। शायद खिलाड़ी वार्म अप कर रहे होंगे, शायद कहीं आराम कर रहे होंगे, उनका राउंड आएगा तब वो यहाँ पर पहुँचेंगे। लगातार 3 साल से स्पर्धाएँ आप कर रहे हैं। मैं केशव जी से और प्रेम जी से पूछ रहा था कि स्पर्धाएं बहुत अच्छी हो रही हैं, बहुत अच्छा आयोजन है, वातावरण अच्छा है। पाठक साहब ने भी कहा नई पीढ़ी के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि वो खेल की रुचि उनमें बढ़े। और मैं पूछ रहा था कि वातावरण अच्छा है तो फिर इसमें मैट के ऊपर ये टूर्नामेंट्स क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर खेलने वाले सारे खिलाड़ियों को बिना शूज के और ऐसे ही खेलने का आनंद आता है। तो जैसा आनंद आपको आता है वो आनंद लेने का भी कोई उसमें अड़चन नहीं है। आप जैसा आनंद आए वैसा करें। अंततः हमने खेल खेलना चाहिए, खेलों का आयोजन होना चाहिए। नागपुर संतरे के लिए जैसा प्रसिद्ध है वैसा ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं। इसको हम कहेंगे कि नागपुर और वाड़ी ये एक ही है और इसमें केवल नगर परिषद की थोड़ी सी स्थिति है राज्य सरकार की, वरना अब तो यहाँ तक भी नागपुरी कहने में कोई अड़चन नहीं है। ऐसी स्थिति हमारे दृष्टि से हो गई है।